उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के मुंडा पांडे क्षेत्र में मुरादाबाद लखनऊ हाईवे पर कोसी नदी का पानी आ गया था, जिसके चलते हाईवे पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई थी। कई वाहन बाढ़ के पानी की चपेट में आ गए थे, जिसमें बाढ़ के पानी में फंसे लोगों को जिला प्रशासन की सहायता से रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया था। लेकिन अब कई घंटे बीत जाने के बाद स्थिति सामान्य होने लगी। हाईवे पर आया कोसी नदी का पानी धीरे धीरे उतरने लगा है। हाईवे पर वाहनों की आवाजाही प्रशासन द्वारा शुरू करा दी गई। घंटों से फंसे यात्री अपने अपने स्थानों पर वापसी जा रहे हैं। जिला प्रशासन के द्वारा कई टीमें कोसी नदी के पास लगाई गई, जो लगातार जल स्तर की मॉनिटरिंग कर रही हैं। वहीं जब राहगीरों से बात की गई तो राहगीरों द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया, घंटों से वह लोग कोसी नदी के बड़े जल स्तर की वजह से फंस गए थे, लेकिन अब जल स्तर सामान्य होने लगा है, जिसके बाद हाईवे पर वाहन दोबारा चलना शुरू हो गए हैं। इकबाल मुरादाबादी। जनाब मैं रामपुर से आ रहा हूँ। तो ये जो आपको रास्ते में पानी पड़ा है, इसमें किस हिसाब से कैसे निकल के आए? देखिएगा जी, मैं यहाँ से लगभग 4:30 या 5 बजे के दरमियान इधर से गुजरा था मैं, तो स्थिति बहुत ही ज़्यादा नाजुक थी। बहुत ही ज़्यादा मेरे घुटनों तक पानी भरा हुआ था, और मैं वहाँ से अब लगभग 2 घंटे के बाद वापसी कर रहा हूँ। तो अब मैं देख रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से पानी का काफ़ी बहाव ठहराव हुआ है, पानी उतरा है काफ़ी। और मैं आई प्रशासन से गुजारिश कर रहा हूँ कि जहाँ तक हो सके वो ट्रैफिक को कंट्रोल, जैसे सुबह से किया उन्होंने प्रशासन ने, ऐसे ही आगे भी करते रहें और स्थिति का जायज़ा लेते रहें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली अब्बास है भैया। अरे भाजी, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं भैया लेके जा रहा हूँ मुरादाबाद। मुरादाबाद, तो क्या समस्या, आगे क्या गतिरोध आ गया? समस्या ये है कि भैया अभी मैं आ रहा हूँ यहाँ से लेके, अपने बरेली से आ रहा हूँ मैं, और इस टाइम यहाँ पर लेके पानी इतना हो गया है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब लेके दिक्कत हो रही है, और पानी जो है वो बहुत ही मतलब लेके ऊपर तक इस टाइम आया हुआ है। और यहाँ पर एक हमारी लेके रोडवेज है, जी रोडवेज की हमारे लेके फंस भी यहाँ पर एक वो हो गई थी अंदर, ये अभी ये हो रही है यहाँ पर, अभी इसको मतलब रेस्क्यू हुआ है यहाँ पर। पानी से ज़्यादा जनमानस को समस्या आ रही है। जनमानस को।